हेलो फ्रेंड, मैं सुरेंद्र ओझा स्वागत करता हूँ आपका अपने चैनल ब्लॉगर ओझा में। आप सभी को हिंदू नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों, आपसे निवेदन है, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बगल में दी हुई घंटी दबा दें और इस वीडियो को एक लाइक तो करिए। जय श्री राम। दोस्तों, यह जो बाइक रैली है हिंदू नव वर्ष के स्वागत में हिंदू युवा मंच के द्वारा 5/4/2022 को करची राम मंदिर चौक से निकाली गई थी, जिसमें शहर के आसपास अंबिकापुर और इसके आसपास के काफ़ी लोग उपस्थित होकर इस रैली को सफल बनाए हैं। आप देख सकते हैं कितनी भीड़ है इस बाइक रैली में, और बाइक रैली के साथ साथ इसमें एक महाआरती भी थी। शासन और प्रशासन का पूरा सहयोग था, किसी भी प्रकार की कोई दुर्घटना ना हो इसके लिए पुलिस प्रशासन भी थी तैयार। देखिए, काफ़ी भीड़ है इस रैली में, दूर दूर तक लोग इकट्ठा हुए हैं और पूरा शहर आपको दिख रहा है किस तरह से सजाया गया था भगवा में। लोगों में एक अच्छा उत्साह है, क्योंकि काफ़ी लंबे समय से कोरोना काल, 2 साल तक कोरोना काल के कारण कोई भी प्रकार की रैली या इस तरह का बाइक रैली हिंदू नव वर्ष के उपलक्ष्य में किसी कोई भी कार्यक्रम नहीं हुआ था, स्थगित था। देखिए लोग बाइक में किस तरह से हैं। अगर आप दोस्तों इस रैली में नहीं उपस्थित हो पाए तो 7 अप्रैल गुरुवार को 3 बजे गांधी चौक, दुर्गा मंदिर चौक, अंबिकापुर में भी एक बाइक रैली है, उसमें आप अवश्य आइए। 3 बजे जो है हमारी रैली अंबिकापुर दुर्गा मंदिर चौक से महामाया चौक तक जाएगी। अब देखिए करजी में किस काफ़ी आसपास के क्षेत्र के लोग उत्साह दिखाए अपना। श्री राम के नारों से पूरा करजी शहर गूंज उठा था भगवा में, और श्री राम के जयकारों से ही लोगों में एक अच्छा उत्साह भी देखने को मिला। आपसे पुनः अनुरोध है, आप अगर करजी में नहीं उपस्थित हो पाए हैं तो अंबिकापुर में 7 तारीख को 3 बजे महामाया माँ दुर्गा मंदिर चौक से लेकर जो रैली निकल रही है उस रैली बाइक रैली में आप अपनी हिस्सेदारी दीजिए और श्री राम के नारे लगाइए। जय श्री राम।